हेलो एवरीवन, ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रो क्वेश्चन बैंक रो क्वेश्चन नंबर तीन कही व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। से कहे जदि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सहित जदि मिसेबा ताले रिजल्ट कौन आसो आंसर कौन लिख देख कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म क्यूप्रस आयोडाइड एंड आयोडीन। ता माने से कहे कॉपर सल्फेट सहित जदि पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवा ताल आम कौन मिल क्यूप्रस आयोडाइड एंड आयोडीन मिल क्लियर। तो कौन कर देख ये कॉपर सल्फेट निहित ता सहित पोटेशियम आयोडाइड नेला कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड कौन दब ना टू सी यू आई टू प्लस के टू एसओ फोर ये हूँ आम क्यूप्रिक आयोडाइड आ कौन कौन क्यूप्रिक आयोडाइड क्यूप्रिक आयोडाइड डी आई डी क्यूप्रिक आयोडाइड बट ये जो क्यूप्रिक आयोडाइडा हूँ गोटे अनस्टेबल कंपाउंड माने ये जो फॉर्मेशन हम बहुत कम समय पर फॉर्मेशन हम सो दैट क्यूप्रिक आयोडाइड इज ए अनस्टेबल कंपाउंड एंड आफ्टर दैट ये ब्रेकडाउन हो भांगिजी अनस्टेबल कंपाउंड ब्रेकडाउन हेटा ब्रेकडाउन है ये कौन दब ना क्यूप्रस आयोडाइड प्लस आयोडीन क्लियर आर फॉर्मूला होची सी यू टू आई टू प्लस ये आयोडीन बुझिपाल। तो कौन हो रिजल्ट तो तुम्हें परीक्षा डाइट लिखिद निजे क्यूप्रिक आयोडाइड फॉर्मेशन हो क्यूप्रिक आयोडाइड नुह क्यूप्रस आयोडाइड फॉर्मेशन हो सहित आयोडीन फॉर्मेशन होदी कर रखीद हाफ मार्क मिल एंड जदि पूरा जदि अच्छी जी एमाउंट मार्क अच्छे से तुम इजिली पाइपर सो दैट भल से या चेक कर ए जाए आण एंड क्यूप्रस आयोडाइड फॉर्मेशन हो लिख। नेक्स्ट देखिए व्हाई आयरन बिकम पेसिव विथ कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। से कहे जदि कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन सहित आयरन को रिएक्ट कर आयरन कहीं पेसिव हो जाए क्लियर आंसर लिख नाइट्रिक एसिड बा जब आम कहे HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो HNO3 अच्छी ये गोटे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंटा या काम कौन ना अन्य को ऑक्सीडाइज कर क्लियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंटर काम होची अन्य को ऑक्सीडाइज करे इट ऑक्सीडाइजेस ये कौन कर ना इट ऑक्सीडाइजेस आयरन टू फॉर्म ए लेयर ऑफ Fe2O3 बा आयरन ऑक्साइड। ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर ऑक्सीडाइज करके Fe2O3 कन्वर्ट कर दिस लेयर इज नॉन रिएक्टिव जो लेयरटा बा जो Fe2O3 टा नॉन रिएक्टिव बा पैसिव एंड कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर आउ पुणी थे रिएक्शन हम ना ऑक्सीडाइज हमें मानी जो ये गोटे आयरन रॉड क्लियर आयरन रॉड सहित तुम कौन कह HNO3 एड कल कनसेंट्रेट एड कर डायल्यूट नुह कनसेंट्रेट HNO3 एड कला ये ऊपर लेयर एम जो लेयरटा हो Fe2O3 बा आयरन ऑक्साइड यही जो Fe2O3 तैयार है ये केमिकली केमिकली इनएक्टिव क्लियर तो सो दैट या ऊपर आउ किसी लेयर तैयार होगा चांस ना से कौन जो आयरन कि समय पर डीएक्टिव हो जाए बा ये पैसिव हो जाए क्लियर सो दैट रिएक्शन कौन देख टू HNO3 मैं नाइट्रिक एसिड ब्रेकडाउन है वाटर देला NO2 देला एंड नेसेंट ऑक्सीजन देला कौन देला ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन बा सिंगल ऑक्सीजन रो काम हो ऑक्सीडाइज कर क्या ऑक्सीडाइज कर आयरन को ऑक्सीडाइज कर क्लियर तो नाइट्रिक एसिड रू नेसेंट ऑक्सीजन आयरन को ऑक्सीडाइज कर 4 मोल ऑक्सीजन नब आयरन प्लस 4 मोल ऑक्सीजन तब Fe3 आप Fe2O3 बाहर कि Fe3O4 बाहर शुण एक्चुअली कौन ना ये गोटे मिक्सड ऑक्साइडा कि ऑक्साइड मिक्सड ऑक्साइड आ दुटा ऑक्साइड मिसिक अच्छी कौन कौन ना गोटे Fe2O प्लस Fe2O3 दिन मिसले Fe3O4 हम माने जो यही Fe2O एंड ये जो Fe2O3 अच्छी ए दुट जाक एड है ये आस देख ये जो Fe2O3 अच्छी ये Fe2 ये हूँ आम डीएक्टिव बाम नन रिएक्टिव बा पेसिव लेयर क्लियर बुझिपाल सो दैट ये टाइप एंड ये तुम स्टेटमेंट क्लियर स्टेटमेंट और इक्वेशन दुई जगह एग्जाम तुम्हें लिख।
व्हाई क्रोमियम हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन जिंक से कहूँ क्रोमियम बॉइलिंग पॉइंट कहीं है क्रोमियम हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हिच अलाउज डीडी ओवरलैप इन एडिशन टू मेटालिक बॉइलिंग बट जिंक डज नॉट हैव एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन सो कौन कौन देख ये जो क्रोमियम अच्छी जार एटॉमिक नंबर होती 24 केते 24 एंड 24 ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर गोइटे आर्बन रहला 18 प्लस 18 5 23 एक 24 टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होची ये एक जो आरो डी ऑर्बिटल देखि जो डी ऑर्बिटल ते केते इलेक्ट्रॉन अवेलेबल अछंदी ना पांचरा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल अछ 1 2 3 4 5 एंड एस ऑर्बिटल रे गोटे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल अछ सब जार देखु अनपेड अठ सिंगल से लिखाला प्रेजेन्स अफ अनपेड इलेक्ट्रोन ये सब कौन अच्छा ना अनपेड इलेक्ट्रोन सब अच्छा मन रख जितेटा अनपेड इलेक्ट्रोन रहा बंड तैयार कौन कहली मुझेटा अनपेड इलेक्ट्रोन रहा बंड तैयार मनकर मैंने ये मन क्या सहित बंड तैयार गला तो ये आउ गोटे गोटे इलेक्ट्रोन एड हो पार क्लीअर जहाँ सहित बंडिंग कर सी गोटे गोटे इलेक्ट्रोन आपको देव क्लीअर जहाँ दरकार थी ये सहित गोटे गोटे बंड तैयार कर बंड के इलेक्ट्रोन नहीं हुए दुटा इलेक्ट्रोन नहीं थे आर गोटे सिंगल इलेक्ट्रोन एंड आउ जहाँ सहित बंड तैयार कर तार गोटे सिंगल इलेक्ट्रोन मिसिक कौन करेंगे बंड या करेंगे क्लीअर तो जितेटा बंड या करेंगे से कौन हो कंपाउंड जब स्ट्रंग है तार बॉइलिंग पॉइंट कौन हो स्ट्रंग हम बॉइल करने अधिक तुमको एनर्जी पड़े से क्रोमियम केस रे ये छटा बंड तैयार बट जिंक कौन ना जिंक पाखे टोटाली अनपेड इलेक्ट्रोन ना जिंक डज नॉट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रोन जब 3D10 देखिए जिंक मैंने सब जगह कौन पेड क्लियर डबल डबल होता है सब जगह पेड जेहतु फेल होता है डबल 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 होता है एम बंद या करेंगे अब ये स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फेक्शन फेल होसरा फोर एसरा यहाँ हूँ 3D रो जिंक कथा मुझे ना तो जेहतु वो फेल होने बंद या करेंगे ना बट क्रोमियम ये बंद या करा ही ये लिखाला क्रोमियम हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल देम आर अनपेड इलेक्ट्रॉन थी पांचटा अनपेड इलेक्ट्रॉन थी ये इजिली अन्न सहित बंड तैयार करेंगे आ बॉइलिंग पॉइंट क्या हिसाब से मेजरमेंट कराए ना बंड हिसाब से जितना बंड तैयार हम से तार बॉइलिंग पॉइंट अधिक हम क्लीअर कुछ एलाउस डीडी ओवरलैप ये कौन कर डीडी ओवरलैप डीडी ट्रांजेक्शन ये जो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जंप कर अन्य डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अन्य मेटल सहित ये बंड तैयार ओवरलैप इन एडिशन टू मेटालिक बंडिंग ये मेटालिक बंड तैयार करने अन्य डी ऑर्बिटल सहित ओवरलैप होने डी ब्लॉक एलिमेंट सहित कांटेक्ट आसी बंड तैयारी करें जेहेतु पांचटा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अनपेड अच्छे किंतु जिंक पाखे किसी एमती इलेक्ट्रॉन ना जो मैंने बंड तैयार कर सक्षम बंड तैयार कर सी सक्षम जहाँ पाखे अनपेड इलेक्ट्रॉन थी सिंगल इलेक्ट्रॉन थी बुझिपाल सो दैट जिंक डज नॉट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन हैव फॉर्मेशन बंड जिंक कथ बुझल अगर बुझिपार्थ तेणु जहाँ क्वेश्चन आई होप जदि किसी डाउट अच्छी तो मन देख कमेंट बक्स कमेंट कर मुझे ट्राए कर सब जगह क्वेश्चन जल्दी जल्दी कमी अपलोड होगा थैंक्स फॉर वाचिंग।